हिमाचल प्रदेश में आजकल एनजीटी के फैसलों को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिमला नगर निगम की मासिक बैठक में भी एनजीटी के आदेशों की गूंज सुनाई दी। इस पर नगर निगम सदन खूब गरमाया। एनजीटी के आदेशों को जनविरोधी करार देते हुए पार्षदों ने एकमत प्रस्ताव पारित किया और रिव्यू के लिए सरकार को भेजने का निर्णय लिया। सरकार को ये प्रस्ताव 3 दिन के भीतर भेजने पर भी निगम बैठक में सहमति बनी है। लेकिन अफसोस की बात है कि नगर निगम शिमला के पास शहर में कितने मकान हैं, इसका आंकड़ा तक नहीं है। अब नगर निगम शिमला के मकानों का आंकड़ा टैक्स ब्रांच से लेने की सोच रहा है। एनजीटी ने हिमाचल में 16 नवंबर को भवन निर्माण को लेकर अहम आदेश दिए हैं। एनजीटी के आदेशों के बाद भवन मालिक परेशान है। इन आदेशों में कहा गया कि नेशनल हाईवे और अन्य मार्गों के आसपास 3 मीटर तक निर्माण नहीं किया जा सकेगा। आदेश के उल्लंघन पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। एनजीटी ने शिमला और उसके आसपास के क्षेत्रों में 2.5 मंजिला के ऊंचे भवन निर्माण पर भी बैन कर दिया है। साथ ही टिप्पणी की है कि शिमला अब ज्यादा भार नहीं सह सकता है। शिमला प्लानिंग एरिया में किसी भी कोने में मौजूद फॉरेस्ट और ग्रीन एरिया में घर और कमर्शियल निर्माण की अनुमति नहीं होगी। एनजीटी की प्रधान पीठ ने तलक टिप्पणी में कहा कि विकास के नाम पर विनाश को दावत नहीं दी जा सकती है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारा वैसे मुद्दा ये भी था, क्योंकि डिस्कशन इस पर होना लाजमी था, क्योंकि ये पूरे शहर की बात है, इसलिए इस पर डिस्कशन हुआ है आज। तो हाउस ने ये फैसला लिया है इस पर कि इस पर हम लोग एक प्रस्ताव बनाएंगे और उसको हम गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो आज अभी यही चर्चा हुई है इसके बाद कि सब चाह रहे हैं कि जो भी ये फैसला है ये सबके मुताबिक ठीक नहीं लग रहा है लोगों को, तो हाउस में यही किया है कि हम दोबारा पिटीशन दायर करेंगे और फिर जो भी फैसला होगा वो गवर्नमेंट को। तो ये हमने 3 दिन का हमने टाइम लिया है कि 3 दिन में हम लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे अपना प्रस्ताव जो हमने यहाँ पारित किया है। जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल है और आज भी ये क्वेश्चन हुआ है। तो इस अभी हमारे पास आज ब्यौरा नहीं था इस चीज़ का, तो लेकिन जो हमारा अगला हाउस है उसमें हम पूरा ब्यौरा लेंगे और पूरी जानकारी देंगे कितने हमारे पास कहाँ से ले जाएगा, कोई इसमें के लिए अलग से टीम बनाई जाए। मेरा वार्ड नंबर 21 से लोअर ढली मशोबरा है, लोअर ढली मशोबरा है। और एनजीटी का जो फ़र्क हमारे मर्ज एरिया में पड़ रहा है, लोगों को बहुत भारी परेशानी हो रही है इस चीज़ से। तो हमने आज हाउस से अप्रूवल कराया कि सरकार को हम भेजें और अपना दुख दर्द जो है लोगों का सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल करेंगे। ये तो आप देख रहे हैं काफ़ी समय से जैसे रिटेंशन पॉलिसी का चल रहा है उसमें भी नगर निगम विफल रहा है। लोग बड़े हताश है, खासकर हमारे जो मर्ज एरिया के लोग हैं बड़े परेशान हैं। हमारे बिजली और पानी मैक्सिमम जितने भी हमारे मर्ज एरिया कमर्शियल चल रहा है अभी तक काफ़ी अरसों से, लोगों की काफ़ी डिमांड है, हर जगह छोटी छोटी जनसभाएं हो रही है एनजीटी के मामले में। इसलिए हमने इस मुद्दे को आज हाउस में उठाया और सरकार को भेजेंगे। बता दें कि शिमला में 17 ग्रीन वैलेट एरिया है। एनजीटी के आदेश से शिमला शहर का 70% एरिया आएगी। एनजीटी के आदेशों में शिमला शहर का 70% एरिया आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।